तो स्टिंग हमारे जिस्म में ब्लड की तरह बन चुकी थी और व्हाइट ब्लड सेल की जगह लेने ब्लू स्टिंग आई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस टेस्ट वाली वीडियो का सेकंड पार्ट की तरफ दोबारा आ गया हूँ, और फर्स्ट में रेड बुल की थी लेकिन अपलोड नहीं की, वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होने वाली है। तो आज ब्लू स्टिंग की हम टेस्ट करेंगे। तो ये ब्लू स्टिंग है यार, जो बैकवर्ड एरिया ना उनमें बड़ी मुश्किल मिलती है। तो मुझे ये ना जब भी लेने गया उन्होंने कहा तो यार स्टॉक ही ख़त्म हो गया। तो अभी ये मिली है, तो फर्स्ट पहले मुझे 3-4 बार रेगुलर मिली थी, तो फाइनली यार मिल गई है। तो मेरा दिल है यार इसे ट्राई करूँ। फर्स्ट ट्राई अभी मैं भी खुद करने वाला हूँ, और देखते हैं कैसी है, इसका क्या फील है और इससे कितनी डिफरेंट है। तो लेट्स बिगिन। ये तो ट्राई की हुई है, आपने भी ट्राई की होगी यकीनन। और येलो वाली भी आई थी यार, बड़ा दिल था उसकी वीडियो बनाऊँ, पहले सोचा हुआ था काफ़ी टाइम से, लेकिन वो येलो वाली यार यहाँ से मिली नहीं, पता नहीं ख़त्म हो गई क्या हुआ। लेकिन अभी ब्लू ट्राई करते हैं। फर्स्ट ट्राई यार लिटरली ना, छोटे होते ना वो होता था चेरी ब्लू कलर की ना, वो खींचने वाली नहीं होती, पता नहीं उसका नाम नहीं याद आ रहा, फिज करके शायद उसका नाम था, ऐसे खींचते हैं लंबी सी हो जाती थी। उसका टेस्ट चेरी, ये बिल्कुल चेरी की तरह इसका टेस्ट है, ब्लू थंडर नाम है इसका, चेरी की तरह बिल्कुल टेस्ट है। और देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसमें और उसमें। यार ये एक हिसाब से देखा जाए ना तो इसमें चेरी वो टेस्ट आता है, थोड़ा ना खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाता है, और ये थोड़ी एस्थेटिक लुक देती है। आखिरी मेरा लास्ट ऑप्शन यही है, यही कि मैं कहना चाहूँगा कि ये रेड जो है ना ऑलवेज बी बेस्ट।